जम्मू कश्मीर को लेकर के कांग्रेस पार्टी का जो दोहरा रवैया है यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ है। हम सब जानते हैं कि कांग्रेस ने सदैव राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उन तत्वों को प्रेरित और प्रोत्साहित करती रही है जो देश के अंदर अलगाववाद और अराजकता को बढ़ावा देते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर एक बार फिर से कांग्रेस का यह दोहरा चेहरा देश की जनता के सामने आया है। यद्यपि कांग्रेस पार्टी ही इस बात के लिए जिम्मेदार है जिसने एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को कभी साकार नहीं होने दिया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 को लागू करके, छल से लागू करके जम्मू कश्मीर में न केवल अलगाववाद को बढ़ावा दिया बल्कि जम्मू कश्मीर के अलगाववाद और उग्रवाद के माध्यम से पूरे देश के अंदर आतंकवाद को भी प्रेरित और प्रोत्साहित किया। देश आभारी है प्रधानमंत्री मोदी जी के और गृहमंत्री अमित शाह जी का जिन्होंने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से धारा 370 को सदैव समाप्त करने के करते हुए अनुच्छेद 35A के प्रावधान को भी समाप्त करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया। कश्मीर में धारा 370 जो न केवल देश के अंदर अलगाववाद और आतंकवाद का कारण थी अपितु जम्मू कश्मीर के विकास में भी बाधक थी। उस धारा 370 को हटाने के उपरांत जम्मू कश्मीर के कुछ नेताओं ने जो एक समझौता आपसी समझौता किया था एक उपकार कन्वेंशन कहलाता है और इस पर हस्ताक्षर करने वाले जो लोग हैं उनमें वहां के क्षेत्रीय दलों के साथ ही कांग्रेस पार्टी के भी नेता हैं। हम सब जानते हैं कि पूर्व गृह मंत्री और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम जम्मू कश्मीर से धारा 370 की बहाली की बात बार बार करते हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री गुलाम नबी आजाद 370 की बहाली की बात करते हैं। गुपकार समझौते के बारे में जो मीटिंगें श्रीनगर के अंदर अलग अलग समय में हुई है कांग्रेस के स्थानीय अध्यक्ष के साथ ही अन्य नेताओं की उपस्थिति वहां पर इस बात की ओर स्पष्ट इशारा करती है कि वे लोग दिल्ली में कुछ और बात बोलेंगे, जम्मू कश्मीर में कुछ और कार्य करेंगे। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को चाहिए एक उपकार समझौते के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा उसका यह दोहरा चरित्र न केवल देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरनाक संकेत कर रहा है अभी तो पूरी कांग्रेस पार्टी को ही कड़घरे में खड़ा कर रहा है। देश कांग्रेस पार्टी से इसका जवाब मांगती है।
इसका शीर्ष नेतृत्व अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि धारा 370 के बारे में कांग्रेस की क्या राय है,